एक दिन एक आदमी जंगल में लकड़ियां लेने गया। उसने वहां पर देखा कि एक लाचार लोंडी जिसके आगे के दो पैर नहीं थे वो जैसे तैसे करके नदी को पार कर जाती है। शाम का समय था, तभी वहां पे एक शेर आ जाता है। शेर को देखकर वो आदमी एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और सोचने लगता है कि ये लाचार लोंडी अभी शेर का शिकार बन जाएगी, ये अपनी जान नहीं बचा पाएगी। ये विचार करने के बाद वो पेड़ से थोड़ा झांक कर देखता है तो शेर अपना आधा खाना लोमड़ी के साथ बांट कर खा रहा होता है। ये देखकर वो आदमी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि जब भगवान जीवन देते हैं तो खाना देने वाले को भी ढूंढ कर रखते हैं। इसी विचार से वो आदमी दो तीन दिनों के बाद फिर से जंगल में आके बैठ जाता है और सोचने लगता है कि मैं यहाँ पे बैठ जाऊंगा और भगवान मेरे लिए भी खाना और पानी का इंतजाम कर देंगे। कुछ दिन बीत जाते हैं, उसके लिए वहाँ पे कोई नहीं आता। वो सोचने लगता है कि भगवान ने मेरी मदद के लिए किसी को क्यों नहीं भेजा। तभी वहाँ पर एक ज्ञानी बाबा आ जाते हैं और वो उस आदमी की हालत देखकर उसे तुरंत खाना और पानी दे देते हैं। तब वही सवाल वो आदमी ज्ञानी बाबा से पूछता है और कहता है कि मेरी मदद के लिए भगवान ने किसी को क्यों नहीं भेजा। उसे समझाते हुए बाबा कहते हैं कि तुम लाचार नहीं हो, बल्कि तुम लाचार लोगों की मदद करने वाले हो। भगवान ने तुम्हें इस काबिल बनाया है और इसीलिए भगवान ने तुम्हारी मदद के लिए किसी को नहीं भेजा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और इस कहानी से आपने क्या सीखा ये मुझे कमेंट में जरूर बताएं।